स्ट्रोक कैसे हैं, जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि एक्शन कुछ ज्यादा नहीं है, 1.5-2% की तेजी देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई इंफोसिस पर, और लगातार हम देख रहे हैं कि आईटी स्टॉक्स पर ब्रोकरेज हाउस की जो कवरेज है लगातार बढ़ती जा रही है। ओवरऑल की रेटिंग को बरकरार रखा गया 1800 रुपए के लक्ष्य के लिए। और एक और खास बात इस रिपोर्ट में यह भी कही गई कि अगले 60 दिनों में अगर आप देखें तो पूरी संभावना है कि इंफोसिस जो है इंडेक्स को तेजी की तरफ में आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। और इसका ये असर देखने को मिला, करीब 1.5-2% की तेजी इंफोसिस में देखने को मिली। इसके अलावा नतीजों के बाद रिपोर्ट आई ग्राफाइट इंडिया पर, जेफरीज की रिपोर्ट आई, खरीदारी की राय को बरकरार रखा गया, 875 का लक्ष्य दिया। हालांकि इससे पहले जो लक्ष्य था 810 रुपए का था, यानी लक्ष्य को बढ़ाया गया। और यहाँ पर कहा गया कि चौथी तिमाही के नतीजे अगर आप देखें तो ऑपरेशनल फ्रंट पर टर्न अराउंड नतीजे देखने को मिले थे। और इनका फिलहाल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल अगर आप देखें तो 75% चल रहा है, यानी ये बात साफ है कि मांग यहाँ से काफी बढ़िया है और आगे भी मांग में ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इसी रिपोर्ट का असर देखने को मिला, करीब करीब 2-2.5% के मूव जो है ग्राफाइट इंडिया में भी देखने को मिले।